नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। राजस्थान जीके की स्पेशल सीरीज जो है, इसमें आपके 3000+ प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो उसमें हर एक पार्ट में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपके आ चुके हैं, जिसमें राजस्थान जीके क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप पर्टिकुलर इस बोर्ड से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ग्रामर सीरीज हो सकती है। बाकी अगर आप किसी भी राजस्थान जीके के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उससे पता चलता है कि कैसे आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जाते हैं, और कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है, इससे भी आपको काफ़ी कुछ पता चलता है। और ये जो सीरीज है, इसका लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिसेंटली वीडियोस में आपने देखा था कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो कि आपके बार बार क्वेश्चन आए हैं, उससे उस टॉपिक से रिलेटेड भी हम करते रहेंगे, जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अब तक के जितने प्रश्न आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है, एक पेपर पर बेस्ड है, जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए थे, आपका लाइव स्टॉक का ये पेपर था जो कि 2016 में हुआ था, कोड था आपका 09। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो ये आपका कोड जो है 08 है, लाइव स्टॉक का जो पेपर है आपका, लाइव स्टॉक असिस्टेंट का, जो कि 2016 में हुआ था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 प्रारंभ करने का जो श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है आपका ए सी एल कालाइल। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, जो जो आपके ए सी एल कालाइल है, इनको आपका जो है सर्वप्रथम राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का जो है श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो वो है आपका राजरूपक। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो राजरूपक के लेखक को भी आपको जरूर ध्यान रखना है, तो वो कौन आपके रत्नू वीर भान। और आपका ये वंश भास्कर है वो भी आपका बहुत बार पूछा जाता है, तो आपकी इसके लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और हमीर महाकाव्य है तो उसके रचयिता कौन है आपके? जो नयन चंद्र सूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो ये था आपका भीनमाल, तो जो कि आपका कहाँ पर है? जालोर में। तो ये आपका प्राचीन राज्य था भीनमाल, तो इसका राइट आंसर है आपका। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजत की उपाधि किसे प्रदान की? तो वो की थी मानसिंह प्रथम को, फर्स्ट ऑप्शन। ये वही है जो आपकी पोट्री जो कह सकते हैं हम, जिसको लाहौर से जयपुर लेकर आए थे, बाद में जो पोट्री का जो विस्तार किया गया वो किया गया तराम सिंह द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट है, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? तो की गई थी अकबर द्वारा। महमूद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस जिले में कोट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो कौन सा किला है आपका? यह है गागरों का किला, ये आपका जलदुर्ग भी है, और ये कहाँ पर है? यह आपका है झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लोक संत दिए गए हैं, साथ में उनका जन्म का वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत चरणदास जी की जो जन्म वर्ष है वो दी गई है 1503, मतलब काफ़ी पहले, जबकि इनका जन्म का वर्ष जो है वो आपका 1706 है। इसलिए जो सुमेलित नहीं है वो डी ऑप्शन है, मतलब जो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं तो उनको आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी बुक में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम मिले। अगर बोर्ड में जो फाइनल आंसर की में दिया गया है उसको एक आप नोट कर लीजिए। तो ये जो मीरा जी का माने जन्म वर्ष तो है 1498, दलदयाल जी का 1544 और संत जसनाथ जी का 1482 ईस्वी है, और चरणदास जी की हम बात करें तो 1706। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरोही भाकला गंधहा किस उद्योग के नाम है? तो ये है जटपट्टी के। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये है आपका 5 भागों में विभक्त है। चंपा कली आभूषण पहना जाता है, तो ये गले में।
ये चंपाकली जो क्वेश्चन है कम से कम इस बोर्ड की अब तक की परीक्षाओं में कम से कम 15 से 16 बार अब तक आ चुका है। ये मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? तो ये किया था वीर जी ने। थर्ड ऑप्शन, कौन सा कूट जो है वो सुमेलित नहीं है, पर्यटन स्थल दिया गया है, जिला दिया गया है, अब आपको बताना है। तो जो आपका विरात्रा मंदिर है वो आपका बाड़मेर में, खामखा के 3 दरवाजे अजमेर में है, बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर जो आपका कोटा में है जो सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। अगर आपको पता है बाकड़ माता का गढ़ मंदिर कहाँ पर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 किसने स्थापित किया? तो ये किया था जय नारायण व्यास ने। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो वो थी आपकी जैसलमेर। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? तो ये किया था जोरावर सिंह ने। फोर्थ ऑप्शन, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 5 जुलाई 1947 को। अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी है, दशरथ शर्मा ने लिखी लिखी है ये आपकी जो पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? तो ये थे आपके लुडलो। फर्स्ट ऑप्शन, अजमेर के मांगलोर के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की? तो ये थे आपके जालिम सिंह। थर्ड ऑप्शन, नेक्स्ट है कौन सा कूट जो है सुमेलित नहीं है? तो सिरोही की जो अभय सिंह शासक हैं, करौली के गणेश पाल, अलवर के जो हम तेज सिंह बात करें, लेकिन अब फर्स्ट जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है झालावाड़ जो शासक से जो कूट सुमेलित किया गया है जो कि गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाराजा सुमेर सिंह शासक की हम बात करें तो ये झालावाड़ के ना हो के मारवाड़ के शासक थे या फिर जोधपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 10.41% है भारत का। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, हालांकि जब आप राजस्थान जीके की जो ज्योग्राफी है जो स्टार्ट करते हैं तभी ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो उनका आप ज़रूर ध्यान रखें। तो देशांतरीय विस्तार आपको बताना है, तो ये जाएगा 69° 30' से लेकर 78° 17' आपके ईस्ट की ओर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान स्टेट। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है, तो ये है 550 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है उड़िया का पठार। 56 का मैदान स्थित है, ये क्वेश्चन आप कुछ भी करें बार बार नोट कर लीजिए, ये हर एक पेपर को छोड़ दे तो नेक्स्ट पेपर में ज़रूर आ ही जाता है ये क्वेश्चन कि 56 का मैदान कहाँ स्थित है, तो उसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो आपका मैदान है वो आपको क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। तो ये हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो बीहड़ का नाम आते ही आपका क्या हो जाएगा? चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन जो आपका बीहड़ भूमि स्थलाकृति के लिए जाना जाता है पूरे भारत में। तो सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो जो कि आपका बनास नदी पर ये स्थित है बीसलपुर। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है, तो ये आपका उपोष्ण कटिबंध में सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है एरिडिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है?
तो अब तक जो आपके जो मिट्टियों से संबंधित जो प्रश्न आए हैं आपके राजस्थान की मिट्टियों से, वो मैंने कवर कर दिए हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें जहाँ कहीं भी आपको मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन मिला है, और कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, बता दो कि एरिडी सोल्स मिट्टी से लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक प्रकार की रेगिस्तानी मिट्टी है जो कि आपके रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन शुष्क। फोर्थ ऑप्शन शुष्क सागवान के सगन एम वन राजस्थान के किस जिलों में मिलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो ये आपके हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, तो जो कि है आपका ताल छापर, जो कि आपका कहाँ पर है, चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका डिलीट हो गया था क्योंकि इसमें पूछा गया था मरुस्थलीकरण का मानव जनित जो है कारण नहीं है, तो इसमें आप सभी देखे तो सारे जो दिए गए थे वो मानव जनित ही हैं, इसलिए डिलीट हो गया था ऑप्शन जो थे उसमें, ऑब्जेक्शन कर दिया गया था। नेक्स्ट है अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है, तो ये की जाती है आपकी चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ में। और जो फसलों से संबंधित प्रश्न है उसका भी मैंने एक जो टॉपिक लेकर के उस पर वीडियो बना दिया है, जिस पर जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है, तो ये है आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो आपका वो सोयाबीन के लिए जो है केंद्रित है। नेक्स्ट है चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जो किन जिलों में जो है मिलती है, तो वह है आपका सीकर और झुंझुनू। और चोकला को ही जो है आपकी भारत की मेरिनो भी कहते हैं, तो मेरिनो कहाँ की फेमस जो एक भेड़ की नस्ल है वो आपके ऑस्ट्रेलिया की है। मध्य श्रेणी के अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में जो प्रस्तावित हैं, तो बारा झालावाड़ थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है आपका NH 15 जो कि आपके राजस्थान के बड़े जिलों से होकर गुजरता है, तो ये आपका गंगानगर जैसलमेर आपके जो कह सकते हैं जोधपुर का जो आपका पश्चिमी हिस्सा है और बाड़मेर है वहाँ से लगता हुआ ये गुजरात को एंटर हो जाता है, तो ये आपका NH 15 जो सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। लेकिन अब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, तो काफ़ी सारे जो आपके NH हैं उनके नए नाम चेंज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा वो आपके राजमार्ग से संबंधित होगा, जिसमें आप देखेंगे जो नए नाम चेंज कर दिए गए हैं जो आपके NH के पहले थे, और उसके अलावा कौन कौन से राजमार्ग जो आपके कौन से जिलों से होकर गुजरते हैं वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में मार्च 2013 के अंत तक रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी, तो 5872 किलोमीटर। जगपुरा एवं आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है आपका सोना, सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, तो वह है आपका बरसिंह सरोवर कपूरड़ी। तो इस पेपर में जो आपका लाइव स्टॉक का पेपर था उसमें आए थे आपके 40 क्वेश्चन। आई होप आपको जो में जो भी स्कोर आया है वो आप ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई होगी। सो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और ये जो आपका PDF है वो भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। बाकी अगर आप सभी पेपर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उस ड्राइव के लिंक पर मिल जाएंगे सभी पेपर, तो आप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो रिसेंटली वीडियोस आ चुके हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको जो आई बटन दिया गया है वहाँ पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक।